नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक सफलता ने राजनीतिक पंडितों को भी चौंकाया है। आखिर क्या कारण रहे आपकी इस बड़ी जीत के, इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक। देखिए, ये जो जीत हुई है नई दिल्ली में, निश्चित तौर पर बहुत ऐतिहासिक जीत है। आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा है और वो ऐसे बहुत कम उदाहरणों में से एक हो गया है जहां पर इतनी बड़ी जीत किसी एक पार्टी की हुई हो और इतने अधिक प्रतिशत वोट किसी एक पार्टी को मिले हो। इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 2013 में विधानसभा चुनाव में जितने वोट मिले थे, लगभग उतने ही वोट, उससे 1.5-2% कम वोट इन चुनावों में 2015 में मिले हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। ऐसा वोटर जो कांग्रेस को लगातार वोट देकर 15 साल तक जिताता आया है, उसने लोकसभा के चुनाव में यह तय कर लिया था कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो उसने लोकसभा में 7-0 करके भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को जिता दिया। लेकिन उसी वोटर ने यह तय कर लिया कि दिल्ली में हमें अरविंद केजरीवाल को फिर से लाना है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से भाग जाने के लिए माफ भी किया और जिता भी दिया। ये लोकतंत्र की ताकत है कि जहां पर अब जो हाशिए पर बैठने वाला वोटर है वो ज्यादा ताकतवर हो गया और जो कमिटेड वोटर है वो अपना काम कर लेने के बाद भी अपनी पार्टी को जीतता हुआ नहीं देख पाता। निश्चित ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ये बहुत बड़ी जीत है और आज केवल इस जीत का जश्न मनाया जाना चाहिए। बाकी के सवाल और जवाब इसके बाद होते रहेंगे। तो यह थे दिल्ली चुनाव परिणामों पर जयदीप जी के विचार। अगली कड़ी में हम फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए वेब वार्ता। नमस्कार।